दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत आप किस प्रकार से इसको खुद से ऑनलाइन करके 11,000 रुपये का फायदा उठा सकते हैं। आपके खाते में पैसा आने तक का पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे अधूरी ना रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च में आपको टाइप करना है PMMVY, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो पहला वाला लिंक आपके सामने खुल के आएगा, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगी। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा आपको, सिटीजन लॉगिन, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आते हैं, PMMVY, सिटीजन लॉगिन। सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे योर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नेम टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ रिलेशन विद बेनिफिशरी, यहाँ पे आप फादर मदर या सेल्फ स्पाउस कुछ भी यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन। उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद देखिए यहाँ पे आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ लॉग इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे ईमेल आए, इस पे आपको देखिए यहाँ पे जाएंगे सिटीजन लॉग इन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक, आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड की जाएगी। OTP आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ये जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा है होम, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है डाटा एंट्री, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे देखेंगे यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन अपडेट चाइल्ड एंड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो आपको नजर आएगा डाटा, यहाँ पे डाटा एंट्री के लिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा पर्सनल प्रोफाइल, इसके आप नीचे जाते हैं तो पहला ऑप्शन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब करता हो, अगर करता है तो यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखेगा अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड या सेकेंड चाइल्ड के लिए, पहले बच्चे या सेकेंड दूसरे बच्चे के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आप जाएंगे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन, यहाँ पे आपको एक ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा आपसे डज द बेनिफिशरी आधार कार्ड, यहाँ पे पूछ रहा आपसे आपके पास आधार कार्ड है जो बेनिफिशरी है, तो यहाँ पे अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। उसके बाद नीचे आपको जो आपके आधार कार्ड पे नाम होगा सेम वही स्पेलिंग आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। नीचे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके बगल में जैसे आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप ऑटोमेटिक यहाँ आपकी जो उम्र होगी उसको देखिए यहाँ पे कलेक्ट कर ले रहा है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कर लेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रूफ, यहाँ पे आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पे देखिए ई श्रम कार्ड इस समय बहुत ही पॉपुलर, ज्यादातर लोगों के पास ये उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ पे आपको ई श्रम कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पे उसको स्कैन करके अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पूछ रहा है आपसे इम्पोर्टेंट डाटा MCB कार्ड डिटेल्स, यहाँ पे जो आपके आंगनबाड़ी में जो आपकी आशा होती है उनके उनके द्वारा बनाया जाता है एक कार्ड जो आपको किताब टाइप का होता है वो मिलता है, कुछ इस टाइप का होता है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, यहाँ पे मेल फीमेल चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको रूरल या अर्बन जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उसमें डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना, स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक चूज कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आप आएंगे देखिए यहाँ पे आप ब्लॉक चूज कर लिए, यहाँ पे आपको विलेज चूज करना है,
कौन से गांव से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपको अपने एरिया का जो पिन कोड होगा उसको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हो अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे आपको अकाउंट की डिटेल्स शेयर करना है, यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डाल देना है, यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देना है, उसके बाद नीचे यहाँ है बैंक नेम, कौन सा बैंक आपका हो बैंक का नाम डाल देना है, उसके बाद यहाँ देखेंगे अकाउंट नंबर के नीचे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर आपको अपने पास रख लेना है, कहीं भी लिख के रख लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस यहाँ डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे ट्रैक अप्लीकेशन स्टेटस, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप उसका डाटा ट्रैक कर सकते हैं कि इस समय हमारा प्रोसेस जो है कहाँ तक पहुंचा है। इसके लिए आपके खाते में जो है सारा जांच होने के बाद आपके खाते में जो आपके 11,000 रुपये की राशि है वो आपके खाते तक आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी प्रकार की नए नए वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।